हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आजकल आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, वेरियस थ्योरीज, डिस्कवरी ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा इसके शेप्स, वेरियस शेप्स, साइज, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसी तरह से ये भी जाना कि द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक, तो आज इसके ऊपर जो वेरियस वर्कर्स लगातार कंटिन्यूअस काम करते रहे, और इसमें जो एक बहुत बड़ी थ्योरी आई वो 1839 में स्लीडन और श्वान ने, स्लीडन वॉज अ बॉटनिस्ट एंड श्वान वॉज अ जूलॉजिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको कहते हैं सेल थ्योरी। बहुत ही फेमस थ्योरी है और इसमें उन्होंने बेसिक नॉलेज दिया थोड़ा सा और कहा कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला ये था, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड सेकंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कल हम लोगों ने जाना था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चरल मींस जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंक्शनल जिसके की वेरियस फंक्शन होते हैं। ठीक, और थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले सेल थे उन्हीं से नए सेल बनते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे डिटेल्ड स्टडी ऑफ द सेल एंड दैट इज साइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द सेल। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड न्यूक्लियस एंड फोर्थ इज साइटोप्लाज्म। ठीक, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं सेल वॉल, पॉइंट नंबर 1। सेल वॉल, सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ओनली प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं और उसका प्लांट सेल का ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। और प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अबव पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में और कुछ प्रोटिस्टास में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन जो सेल वॉल प्लांट की होती है वो मिली बनी होती है सेलुलोज की, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो ब्लैक पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। उसको जानने की आपकी जरूरत नहीं है नाइन्थ क्लास में, लेकिन इतना जान लीजिए कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है और थिक सेल वॉल होती है। ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्टास। इसके अलावा इट इज डेड, ये डेड मेम्ब्रेन होती है और सेलुलोज की बनी होती है, डेड मेम्ब्रेन होती है, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। इट इज डेड इन नेचर एंड प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाई जाती है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटसाइड में इसके सेल वॉल पाई जाती है, ओनली इन प्लांट सेल्स। और एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, वहां पर सेल वॉल नहीं होती। ठीक, इसके अलावा मेन पॉइंट है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, हालांकि बैक्टीरिया की जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो आप जान लें, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ये पॉलीसेक्राइड है, जैसे सेलुलोज होता है, सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है और पेप्टिडोग्लाइकन भी एक पॉलीसेक्राइड है। ये पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं आप हायर क्लासेस में जानेंगे। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, फ्रीली परमिएबल इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीली परमिएबल? अभी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा
कि व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर व्हाट इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल में अभी आप इतना जान लिए कि इट प्रोवाइड्स मूवमेंट फॉर ऑल सब्सटेंसेस। वाटर अदर मिनरल्स कैन ग्रो इनसाइड एंड आउटसाइड, इसमें से पास हो सकते हैं, इसीलिए इसको फ्रीली परमिएबल कहते हैं। ठीक, अब ये तो हुए पॉइंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के। अब फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है? प्लांट्स हमारे आपकी तरह मूवमेंट तो करते नहीं, ज्यादातर स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह खड़े होते हैं और उसी जगह पर उनको वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज को झेलना पड़ता है। ठीक, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जो है वो भूकंप आए, कुछ भी आए, इनको अपनी जगह पे खड़े रहना है और अपने आप को बचाए रखना है। और इसलिए सेलवाल की एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक, दैट इज वाई एक्स्ट्रा कवरिंग इज अवेलेबल इन प्लांट्स एंड दैट इज सेल वॉल। तो इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इट प्रोटेक्ट्स ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो या अदर सेल ऑर्गेनेल्स हो, उन सबका ये प्रोटेक्शन करती है। ठीक ठीक, इसके अलावा इट सेव्स द सेल फ्रॉम सेल बर्स्ट ड्यूरिंग टर्जिडिटी। अब एक्यूमुलेशन आपने हमें बताया कि मूवमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, फ्रीली परमिएबल इन नेचर है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर भी होगा इनके अंदर ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस। व्हाट इज एंडोस्मोसिस पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, तो उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, उसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये बर्स्ट भी कर सकता है। लेकिन ये प्रोटेक्ट्स, आउटर एक कवरिंग बनी हुई जिससे ये प्रोटेक्ट कर लेती, चाहे जितना ये टर्जिड हो जाए, चाहे जितना ये फैल जाए, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाए, लेकिन ये प्रोटेक्ट कर लेती है, इसको बर्स्ट नहीं होने देती। तो इट सेव्स द सेल फ्रॉम सेल बर्स्ट ड्यूरिंग टर्जिडिटी, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। ठीक, ये हो गया तीन फंक्शन। फोर्थ फंक्शन हिस्सा है बींग फ्रीली परमिएबल, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर, तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर एज वेल एज अदर सब्सटेंसेस टू गो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल्सो। ठीक, तो ये हो गया फंक्शन। अब एक बार हम लोग रिकैप कर लें सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई स्लेडन एंड श्वान इन ईयर 1839। इसकी जो मेन पॉइंट्स थे वो है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड अ सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके मेन तीन पॉइंट्स हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस सेल, और इसको कई पार्ट में बांटा है हम लोगों ने, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो वन बाय वन हम कवर करेंगे। आज जो हम लोग कवर किया है दैट वाज सेल वॉल। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब ऐसा करेक्टर जो केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया नहीं जाता। ठीक, ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। प्लांट के अलावा बैक्टीरिया में भी और प्रोटिस्टास में भी पाए जाते हैं। प्लांट के अलावा बैक्टीरिया क्यों कहा? क्योंकि बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर प्लांट के भी होते हैं और कुछ कैरेक्टर एनिमल के होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या होते हैं, जब हम लोग डायवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। थर्ड, इट इज डेड इन नेचर। ये मार्क करने वाली बात है कि ये मेम्ब्रेन जो है वो डेड इन नेचर होती है, नॉन लिविंग होती है, लिविंग नहीं होती। ठीक, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में ये प्रेजेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है।
फ्रीली परमिएबल इन नेचर, यानी कि हर तरह के सब्सटेंस, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल हो, चाहे अदर सब्सटेंसेस हो, वो अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, मूवमेंट के लिए फ्री है. ठीक, दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्रीली परमिएबल इन नेचर. अब फंक्शन है कुछ, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हमने बताया आपको, हर तरह के नेचुरल कैलेमिटीज को ये झेल लेते हैं और उस पीरियड में भी प्लांट्स को बचाए रखते हैं. इट प्रोटेक्ट्स ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जितने भी न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्मा, सबका ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. इट सेव्स द सेल फ्रॉम सेल बर्स्ट ड्यूरिंग टर्जिडिटी, वैक्यूएशन वाटर के समय ये सेल को बर्स्ट होने से बचाते हैं. और बीइंग फ्रीली परमिएबल इन नेचर, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू इट. ठीक, फ्रीली परमिएबल होते हैं, इसलिए सब हर तरह के वाटर और मिनरल को फ्रीली मूवमेंट के लिए अलाउ करते हैं. ठीक, तो ये तो हुआ सेल थ्योरी और सेल वॉल के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.